हे गाइस, सो यार गर्मियाँ आ चुकी है। गर्मियों में दो ही चीज़ चलते हैं, एक आम चलता है और एक बच्चों के एग्जाम चलते हैं। अभी बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं देना, बहुत अच्छे कॉलेजों में IIT NIT में चले जाते हैं। आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं, आप थोड़े कम अच्छे कॉलेजों में चले जाते हैं। जिनके थोड़े और कम आते हैं वो प्राइवेट कॉलेजों में चले जाते हैं, और जिनके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं वो एडमिशन एजेंट्स के पास चले जाते हैं, राइट। सो यार बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा रिगार्डिंग एडमिशन एजेंट्स के, क्योंकि जस्ट लाइक मेरा दोस्त है चिंटू, चिंटू का IIT में हो गया, कमल भैया का IIT में हो गया, लेकिन पिंटू का IIT में नहीं हुआ। सो क्या करेगा पिंटू के पास, देखो यार जनरली मैं बताता हूँ क्या सारा सीन है। क्या आपने थंबनेल देखा एडमिशन एजेंट क्या होता है भैया, ये एडमिशन एजेंट क्या सारा सीन है, क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है। सो यार जस्ट लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या जो है पिछले कुछ दशकों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली MBA के जो कॉलेजेज है या फिर BTech के जो कॉलेजेज है। सो जैसे ही संख्या ज़्यादा बढ़ी एंड जो है फॉरेन के अंदर जा रहे हैं बहुत सारे हमारे बच्चे, तो सीटें फिल नहीं हो पा रही है। अब यार जैसे सीटें फिल नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी का कारोबार कैसे चलेगा, कॉलेजों का कारोबार कैसे चलेगा, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है सीटें। तो फिर क्या हुआ, कुछ दलाल लोग आए, कुछ बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन या फिर आसपास के आपके फैमिली के लोग जो कि यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लेते हैं कि भैया हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ लोग तो चले गए आपके, बहुत अच्छे जिनके मार्क्स आए थे IIT NIT अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेजों में चले गए। अब आप लोग जो है प्राइवेटों की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, वो दे नहीं पाते। देन आपके आसपास में अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत अब ये जो लोग हैं गांव के बच्चों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, या फिर छोटे शहर के, या फिर आप किसी मोहल्ले वगैरह में रह रहे हो, तो उन लोगों को यार जस्ट लाइक आपकी फैमिली किसको देखती है। अगर मैं जब IIT के प्रिपरेशन कर रहा था, गॉड की कृपा से मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर्स की मेहनत से मैं IIT में सेलेक्ट हो गया। जो मेरे पेरेंट्स जो मेरे को बोलते थे कि जो है ये पढ़ा लिखा है, इससे बातें किया कर, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, इसे कंसल्ट किया कर, राइट। सो यार जनरली आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। सो क्या होता है, कुछ पढ़े लिखे लोग आते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस कर देते हैं कि भैया इसको मैं बहुत अच्छे कॉलेजों से मैं एडमिशन दिलाऊंगा। देन क्या करता है, एडमिशन एजेंट आपसे भी पैसा ले लेता है, आप जो कॉलेज वाले होते हैं उनसे भी पैसा ले लेता है, ठीक है, दोनों से यार पैसा लेता है। फिर क्या करता है, आपके जस्ट डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, ठीक है। वाई ये, क्योंकि कॉलेज इसको बाद में पैसा देता है एडमिशन होने के बाद में। अब यार मैं कॉलेज में अगर मैं 10 लाख या फिर 7 लाख रुपए पे करने वाला हूँ, कॉलेज एक बच्चे पे मेरे को अगर 50,000 रुपये दे दे, कॉलेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन तो मैं ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटली मेरा अगर 20 एडमिशन भी करवा दिए तो सोच लो मेरा तो हो गया काम, ठीक है। 20 एडमिशन के कितने हो गए, 2 एडमिशन के 1 लाख रुपये होते हैं मेरे, तो 20 एडमिशन के 10 लाख रुपए हो गए। मैं 20 एडमिशन थोड़ा ना कराऊंगा, 100-200 एडमिशन तो करा ही दूंगा जनरली, ठीक है। तो मतलब करोड़ों में होता है, ठीक है। एडमिशन एजेंट बहुत खतरनाक होते हैं भाई, ठीक है। वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करके रखते हैं। आपके पेरेंट्स को बोलेंगे भैया करा देंगे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएंगे, ऐसे वैसे ऐसे, आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं, 10-15 हज़ार रुपये जनरली दे देते हैं। मैंने काउंसलर को जो है 22,000 यानी कि 22,000 रुपये दिए थे, ठीक है। फाइनली आई एम सेलेक्टेड फॉर IIT, मेरी मेहनत की वजह से हुआ था, उसने कुछ नहीं किया उसमें। तो यार क्या होता है, ये फिर जाएगा बहुत सारी कॉलेजों के पास, या फिर इसके पास जो भी कॉलेज रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे देखगा कि सारी डिटेल कि भैया मेरे पास इतने एडमिशन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से, वो आपका एडमिशन वहाँ पे कराएगा जहाँ पे उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे उसको ज़्यादा कमीशन मिलेगा वहाँ पे आपका एडमिशन कराएगा। और यार तब तक तो ठीक है, काउंसलर ने आपसे पैसे लिए, कॉलेज ने आपको पढ़ाया, लेकिन जब केजरीवाल जैसी सरकार आ गई और आपके कॉलेज का भंडा फूट गया और ये पता चला कि आपके कॉलेज के पास कोई डिग्री ही नहीं है, दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ IIT नॉट अप्रूव्ड, दिस इज़ नॉट UGC अप्रूव्ड, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद तो डिग्री खारिज। अब आप किसको पकड़ेंगे, पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है, पैसा वापस दे देगा आपको काउंसलर, लेकिन उस मेहनत का क्या, जो उस टाइम का क्या जो आप 4 साल में बर्बाद कर दिए हो, ठीक है। ऐसा यार बहुत बार आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है,
2001 से एटलीस्ट 2022 तक में अगर बात करूँ तो तकरीबन तकरीबन 500 से लेके 600 कॉलेजों की डिग्रियां कैंसिल कर दी गई है। जहां पे जो फोर्थ ईयर में बच्चे पढ़ रहे थे उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बच्चों ने एंड मोमेंट पे आकर सुसाइड कर लिया, ऐसी मोमेंट भी आई है बहुत सारे। एटलीस्ट 500 से 600 कॉलेजेज ऐसे हैं और ऑलमोस्ट हर साल 100 कॉलेज जो है UGC या फिर AICT जो उनके जो लाइसेंस है, डिग्री है, सुप्रीम कोर्ट है, सारे के सारे कैंसिल कर देता है। ओके, और बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। 4 साल जो बच्चा पढ़ रहा है वो उसको एकदम एक ही मोमेंट बचता है उसके पास सुसाइड, और बहुत सारे लोग ऐसे चक्कर में सुसाइड भी कर लेते हैं। दूसरा, ये तो ठीक है, ये तो बहुत बड़ा स्कीम हो गया। जनरली आजकल बच्चे क्या करते हैं, AICTE UGC की वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो उतना तो आई थिंक नहीं हो पाएगा कि जस्ट डिग्री खरीद हो जाए। दूसरा मोमेंट होता है वेबसाइट्स, राइट। वेबसाइट पे क्या लिखा रहता है, फ्री वाईफाई से लेके प्लेसमेंट कंपनियां तक सब कुछ खारिज, ब्लास्ट, फ्लॉप, कुछ नहीं होता, ठीक है, आपकी सिर्फ और सिर्फ पैसे लिए जाते हैं। टीचर्स की अगर अपन बात करें तो टीचर्स फर्स्ट ईयर के MTech को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर कर लिया जाता है 10 से 15 हज़ार रुपये देके, और वो तुमको पढ़ाते हैं। लैब्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें बनी होती है प्राइवेट कॉलेजों के अंदर। प्राइवेट कॉलेजों में अगर मैं बताऊँ आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा सा हरीन गरियाली बाग जहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और कुछ नहीं होता कुछ प्राइवेट कॉलेजों के अंदर, ठीक है, मशीनें ऐसीने कुछ नहीं है वहाँ पे, सब कुछ फ्रॉड। यार सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एडमिशन एजेंट के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि मेरे पास पिछले 2 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वारी आ रही है इसके रिगार्डिंग कि भैया हमने 10 हज़ार रुपये पे कर दिए, अभी तक एडमिशन एजेंट का कुछ पता ही नहीं चला, एडमिशन एजेंट गायब हो चुका है। और हाँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि आपके साथ ऐसा कर देंगे भी। हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुमने, और पिछले साल एक था, ठीक है, आई थिंक एक वो उसके साथ काम करता था, कोई करेक गिक सर्विसेज चलती है, उसका पार्टनर था, यूट्यूब चैनल का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ उसको आई थिंक अभी तक सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने कुछ केस वगैरह हो गया जिसके कारण बंदे को जेल वगैरह भी हो गई है, उसका चैनल ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। 50,000+ उसके सब्सक्राइबर हैं। JEE मेन के रिगार्डिंग कंटेंट डालता था, कॉलेजों के रिव्यूज बनाता था, ऑनलाइन कंसल्टेंट था और हेल्प करता था, बच्चों को एडमिशन दिलाता था। मैंने अगर उसको कॉल किया, भैया मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन लेना है जो भी UP का कॉलेज है या फिर पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, देन को बोलता 10,000 रुपये इसी गूगल पे करो जल्दी एडमिशन कंफर्म, ठीक है, तो क्या करता, उसमें ऑलरेडी सीटें रहती थी कॉलेज में, मैंने उसको 10,000 रुपये दिए, एडमिशन मेरा ऐसे ही हो रहा था, उसने 10,000 रुपये फ्री में दे दिए मैंने उसे, और पता नहीं कितने लाखों बच्चों को जो चूना लगा दिया उसने। क्या चैनल का नाम मुझे याद आ नहीं रहा है अभी, आई थिंक उसके ऊपर 50,000+ सब्सक्राइबर अभी भी है, और मतलब कौन सा था, कुछ कंसल्टेंट ही था, ठीक है, तो जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि ये तुम्हारे JEE वाले भी बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, हम IIT वाले नहीं करते भाई ऐसा काम, ठीक है, तो जस्ट आप इनसे भी बच के रहियो। जो लोग स्पेशली ऐसे कौन लोग होते हैं यार, वो तो जो है ना डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाता था, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे भी, फिर भी इतना बड़ा स्कैम कर दिया, 1 साल से उसका चैनल बंद पड़ा है, वीडियोस तो चल रहे हैं अभी, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, दिल्ली का कोई था, तो दिस इज बहुत खतरनाक स्कैम था। एक JEE वाले बच्चे जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इस वीडियो को यार गाँव के जो लोग हैं उसके पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि गाँव के अंदर जनरली यही होता है कि भैया वो पढ़ा लिखा है उससे बातें करो, आप उससे कंसल्ट करो, वो जो कर रहा है वो करो, उससे पूछो कि वो क्या कर रहा है। जनरली अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरे को ऐसे ही बोलते थे कि भैया वो जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो IPS है, वो IAS है, उसने क्या किया था, ये कॉलेज क्या होता है, ये कोर्सेस क्या होता है, यार गाँव में कुछ नहीं पता होता, ठीक है, तो जस्ट लाइक क्या होता है, मेरे पेरेंट्स मान लो किसान है, जो मम्मा है वो हाउस वाइफ है, देन वो क्या करेंगे, जो भी बेटा जो भी तेरे को अच्छा लगे वो कर ले, अब उनको क्या पता बेचारों को कि क्या कॉलेज होता है, क्या BTech की डिग्री होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे जॉब मिलती है, कैसे जॉब नहीं मिलती, कैसे कंपनी चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फसलें उगाते हैं, पैसे कमाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, 2 वक्त का खाना मिलता है, दाल रोटी मिलती है, बस यही सारी की सारी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन ये एडमिशन एजेंट्स हर साल लाखों करोड़ों लेके गायब हो जाते हैं, ठीक है, जनरली ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकते, इससे उनके जब भी इंतजाम होता आता है इंडिया से बाहर निकल कर, देन ये दूसरी सिटी एंड अदर में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इन सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ठीक है, और आपके साथ अगर ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है देन आप मुझे नीचे मेरा WhatsApp नंबर दिया गया उससे
कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर प्राइवेट, देन नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी जल्दी, या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, धन्यवाद और खूब पढ़ते रहिए। और यार गाँव के कोई लोग अगर वीडियो को देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए, और जो है हर एजुकेटेड दिखने वाला बंदा एजुकेटेड होता नहीं है, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। और दिस इज जनरेशन इज न्यू जनरेशन, और इसके अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं ऑनलाइन कंसल्टिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स की क्वारी आती है, मम्मा की क्वारी आती है कि भैया जो है मेरी बेटी है उसको हम ज़्यादा दूर तक भेज नहीं सकते, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जस्ट लाइक अच्छा कॉलेज चाहिए हमें, एक जॉब मिल जाए थोड़े दिनों के बाद में। स्पेशली अगर मैं पंजाब के लोगों की बात करूँ तो पंजाब के लोग एक ही बात बोलते हैं कि मेरे को जो है पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारे बापू की खेती है, ठीक है। और अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो वो जो गुजरात के लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्किल ऑलमोस्ट बीटेक वगैरह एम्प्लॉय उनको पसंद नहीं है बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, और इतना पैसा कमा लेंगे यार गुजरात लोग, पूरा का पूरा देश को जो है कंट्रोल कर लिया, पूरा खरीद लिया पूरा देश को, ठीक है, अपने कब्जे में कर लिया राजस्थान और गुजरात में। तो जस्ट आप गुजरात से हो तो मुझे, राजस्थान और गुजरात से हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और आप में से कौन कौन लोग धोलेरा स्मार्ट सिटी में अभी रहने वाला है मुझे भी बताना, बिकॉज आई एम फ्रॉम वेरी निगबर ऑफ धोलेरा स्मार्ट सिटी, ठीक है। और आप धोलेरा आपको कैसा लगता है मुझे भी बताना, बिकॉज दिस इज द रियल वर्ल्ड बेस्ड स्मार्ट सिटी, और आने वाले फ्यूचर में हम वहीं पर रहने वाले। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, धन्यवाद।